सुखबीर और मजीठिया की रिकॉर्डिंगों को देखेगा हाईकोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा जस्टिस रंजीत सिंह के नेतृत्व वाले आयोग का अपमान करने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे दोनों को नोटिस जारी करने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक अन्य समागम की रिकॉर्डिंग देखने को पहल देंगे। इस संबंधी जस्टिस रंजीत सिंह के वकील APS देओल ने बताया कि हाईकोर्ट कार्यवाही को आगे बढ़ाने से पहले सबूतों से खुद संतुष्ट होगा। प्रीलिमिनरी हियरिंग पे आज केस लगा था और उसमें जज साहब ने उसका कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट देखा और देख के उनको सेटिस्फाई हमने कोशिश किया कि कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ दैट दीज पीपल हैव शोन डिसरिस्पेक्ट टू द कमीशन एज वेल एज टू द मेंबर्स बाय मेकिंग सर्टन इंसिनुएशंस सर्टन डेफिमेटरी एंड सर्टन इंटिमिडेटिंग थिंग्स इन द न्यूज़ पेपर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस विच दे शुड नॉट जो हिंदी जो इन्होंने बोला वहाँ हाउस में हाउस के बाहर वो अमाउंट्स टू शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द कमीशन सो इट इज़ एन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल एंड द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले सकती है डायरेक्टली बाई ट्रीटिंग इट एज ए कंप्लेंट केस इन ए वारंट केस एज ए वारंट केस। सो ये हमारी दलील थी। हमारा इशू हमारा रिक्वायरमेंट हमने बोला जो था कि नोटिस पहले इशू होके ही आगे एविडेंस होगी तो उस पर बहस हुई थी कि नोटिस पहले प्रीलिमिनरी एविडेंस कोर्ट का ख्याल था कि पहले प्रीलिमिनरी एविडेंस होगी फिर हमने उनको प्रोविजन दिखाई कि इसमें प्रीलिमिनरी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है सीधा ही कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है विदाउट प्रीलिमिनरी एविडेंस नोटिस सर्व करके फिर आगे एविडेंस लीड करेगी विच इज़ कॉल्ड प्री चार्ज एविडेंस इन ए वारंट केस। इसमें हैं जी सुखबीर सिंह बादल हैं और विक्रमजीत सिंह मजीठिया हैं। परसों के लिए उन्होंने CD जो हमने पेश की है वो देख के कोर्ट आगे फिर अपनी सेटिस्फेक्शन करके फिर आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ वो उनको बताया कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी के पास स्पेशल प्रोविजन है कि कमीशन डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है उसमें डेफेमेशन वाली कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के डालने की ज़रूरत नहीं है। ये कमीशन को एक तर्जा दिया गया है एक सेंटिटी दी गई है कि कमीशन की ऐसी रिपोर्टों की धज्जी ना उड़ाई जाए ऐसे इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देके। जी शफी मोहम्मद का रिसेंट लॉ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 65B की जो रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेशन की वो मैंडेटरी नहीं है उस केस में जहाँ के अक्यूज़ के पास सोर्स जो है मटेरियल का वो अवेलेबल ना हो वहाँ वो उसको प्रेजुडिस हो जाता है इसलिए वो सर्टिफिकेट नहीं उसकी प्रिलिमिनरी स्टेज पे सर्टिफिकेशन देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ डाउनलोडेड सीडीज़ हैं जो हमारे पास जिसके बेसिस पर हम वो दिखाना चाहते हैं कोर्ट को लेकिन जो ओरिजिनल है वो तो जो न्यूज़ चैनल वाले हैं उनके पास है डिवाइस सो इसलिए 65B की सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इस स्टेज पर नहीं है। अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है जी कि क्या वर्ड्स बोले गए हैं वहाँ एज ए एविडेंस। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल एज ए एविडेंस पीस ऑफ एविडेंस।